एवरी वन आई एम गर्न आई होप यू ऑल आर डूंग वेल एंड कीपिंग सेफ वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्विक मार्केट ओवरव्यू की और हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी

शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी फिफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं दैट निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 19,300 टू 19,515 और हमने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में क्लियरली डिस्कस किया था दैट हमें यहां पर 19,515 जो कि अपर बाउंड्री थी रेंज की उसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला एंड निफ्टी ने उसी लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग भी दिखाई थी उसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं दट हमें यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूएशन मूव देखने को मिला है जैसे कि हमने डिस्कस किया था दट अगर निफ्टी नाइनटीन

से देखने को मिला है तो ओनली इन केस ऑफ अ ब्रेक आउट ऑफ दिसंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एटीन ऑन द अपसाइड साइड यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूएशन मूव भी देखने को मिल सकता है एंड वेल well,

19,600 के लेवल्स का जैसे कि हमने डिस्कस किया बिकॉज ये निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ काम करने वाले हैं चलिए अब हम एक डिटेल्ड ट्रेडिंग अप्रोच को यहाँ की बात करें तो आप यहाँ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमें यहाँ से ऑलमोस्ट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ नाइनटीन एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है ऑन द हायर साइड प्लस अब आप देख सकते हैं दैट आज के ट्रेडिंग सेशन में मोर और लेस निफ्टी ने एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया है जैसे कि हमने हार्डली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया आप यहाँ ये यह भी

ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है यहाँ पे जिसके चलते निफ्टी 19,600 से लेकर 19,585 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है जैसे कि हमने अर्ली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर डिस्कस किया है एंड वेल दैट इज अल ट्रेडिंग अप्रोच जो हम फॉलो कर सकते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो द सपोर्ट इज प्लेड एट नाइनटीन फॉलोड बाई नाइनटीन एंड द रेजिस्टेंस इज थाउजेंड एट हंड्रेड बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम ऑन द डेली टाइम फ्रेम तो आप यहाँ क्लियरली नोटिस

लेवल जो कि लेवल है फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइव के लेवल का ये हम कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है या फिर एक कॉन्टिन्यूएशन मूव भी देखने को मिल सकता है सो ऑन द डाउन साइड फॉर नाउ हम कंसिडर कर सकते हैं दैट फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी का लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे फॉलोड बाय द लेवल ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था यहां पर एंड वेल दैट इज द क्विक ओवरव्यू ऑफ बैंक निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम चलिए आर्ली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं दैट व्हाट्स रियली हैपनिंग ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम जैसे कि हमने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट 44,555 के लेवल्स पर हमें एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है सिंपली दैट से हमें काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा था इन द इंडेक्स प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी और हमने डिस्कस किया था दैट अगर हमें इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक आउट देखने को मिलता है तो यहाँ से ऐसा हो सकता है दैट बैंक निफ्टी कैन टेस्ट द प्रीवियस हाइस प्लस

नीचे कोई भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इसके चलते 45,230 से 45,095 तक के लेवल्स को यहां पर टेस्ट कर सकता है जो कि हमारे पास 20 एंड 40 ईएमए का टू पर लेवल है अगर हम लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स की बात करें तो आप यहाँ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं हमें इस पर्टिकुलर लेवल से जो की अप्रोक्सिमेटली लेवल है फोर्टी का जो की बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करने वाला है एंड आप देख सकते हैं हमें इसी लेवल से काफी रिजेक्ट रिजेक्शन देखने को मिले हैं इवन थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया टू गो अब लेवल बट आप देख सकते हैं वंस अगेन हमें पर मल्टीपल तो अगर बैंक निफ्टी फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव के लेवल के ऊपर कोई भी मूव हमें यहाँ पर ऐसे देता है दैट इज अगर हमें कोई भी ऐसे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम इस ब्रेकआउट के चलते यहाँ पर लॉन्ग साइड पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन फिफ्टी से लेके फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड के लेवल का टेस्ट वंस अगेन देख

इसी जोन को यानी कि ब्रेकआउट जोन को अप्रोच किया है एंड जब हमें ऐसा एक ब्रेकआउट देखने को मिले एंड आफ्टर दैट स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता है तो वो पर्टिकुलर लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी जो कि सिंपली यही स्टेट करता है दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्स देयर रोल्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है एंड अगर हमें यहाँ पर थर्टी वन थर्टी फाइव के लेवल्स का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है इन हीरो हीरोमोटोकॉक तो हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट हमें थर्टी टू हंड्रेड तक के लेवल्स का यहाँ पर एक टेस्ट देखने को मिल सकता है इन दिस पर्टिकुलर काउंटर एंड यहाँ पर इन्वेलिडेशन लेवल की बात करें तो प्रीवियस कैंडल स्टिक लो का हम एक इनवेलिडेशन लेवल कंसिडर कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट की बात करें तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं दैट आफ्टर दिस हाई ऑफ हमें कोई भी नया हाई नहीं देखने को मिला एंड फ्रॉम दीज लेवल स्टॉक में हमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है एंड ओवर हियर एट द करेंट लेवल आप देख सकते हैं दैट स्टॉक मोर और लेस एक इनसाइड बार सेटअप में ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द रेंज ऑफ 415 टू 430 आप ये भी नोटिस कर सकते हैं दैट हमें विद इन दिस इन बार काफी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है फ्रॉम द हायर लेवल्स तो अगर हमें फोर के लेवल्स का यहाँ कोई भी ब्रेक देखने को मिलता है इन अंबुजा सीमेंट्स तो हम इस ब्रेक के चलते आंटिसिपेट कर सकते हैं दैट हमें फोर तक के लेवल्स का इस पर्टिकुलर काउंटर में एक टेस्ट देखने को मिल सकता है प्रोवाइडेड दैट अंबुजा सीमेंट्स ब्रेक्स बिलो दिस लेवल ऑफ 415 एंड यहाँ पर अगर हम एक इनवैलिडेशन लेवल की बात करें इस ब्रेकआउट के चलते तो हम प्रीवियस हाइज का यहाँ

might really be a good opportunity for considering an entry and well that's the quick overview of infosys on the daily time frame and well let's call it a day and i hope that apko archkaya video informative or archalaga so make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel for more such videos also comment section maybe be bata yega that apko archkaya video laga well on that note it's gurleen signing off until we meet again have a good time